अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज योर साइंस क्लास एंड वी आर रीडिंग लेसन नंबर 12, एयर वाटर एंड वेदर। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट इम्प्योरिटीज इन वाटर एंड इट्स ऑन पेज नंबर 116। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो क्या है बच्चों हमारा टॉपिक? इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी में जो भी गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उनके बारे में पढ़ना है। पानी जो है वेल्स में, कुओं में होता है, दरियाओं में, झीलों में, वो प्योर साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती है। इम्प्योरिटीज जो है बेटा वो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, दूसरी होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे कि साल्ट्स। ये साल्ट जो है ये सॉल्युबल इम्प्योरिटी है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई दे, जैसे कि स्टिक्स है, मड है, स्टोन है, वो हमें दिखते हैं कि इस पानी में इम्प्योरिटीज है, ये साफ नहीं है। इम्प्योरिटीज में ये पानी जो है इसमें जर्म्स भी, जरासीम भी हो सकते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में है उनको हम सेपरेट अलग कर सकते हैं पानी से बहुत सारे मेथड से। तो यहाँ पे आपकी बुक पे तीन मेथड्स दिए गए हैं जिनसे हम इन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर सके, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है, हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में हल नहीं होती है, वो नीचे सेटल हो जाती है, उसको प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। इस मेथड के जरिए हम सैंड अलग कर सकते हैं पानी से। तो क्या है सेडिमेंटेशन? जिसमें हैवी इम्प्योरिटीज जो होती है, जो इनसॉल्युबल है, वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे। उसके बाद है डिकंटेशन, नेक्स्ट प्रोसेस। दिस फॉलोज सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन के बाद ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। साफ पानी जो है, जो सैंड के ऊपर रहता है, जिसको सेडिमेंट कहा जाता है, उसको हम दूसरे कंटेनर में डालते हैं, पोर करते हैं, जिससे सैंड जो है, रेत जो है, वो पीछे रह जाती है। समझ आए आपको? ये था प्रोसेस डिकंटेशन। लास्ट वाला प्रोसेस जो है सेपरेशन का, दैट इज फिल्ट्रेशन। घर पे हम जब हम चाय डालते हैं, पोर करते हैं, हम उसको पहले फिल्टर करते हैं, किससे? स्ट्रेनर, छानी, जैसे हम घर में चाय चवा कुछ अलग करा छान सीट, ये होता है फिल्ट्रेशन। स्कूल लेबोरेटरीज में स्टूडेंट्स जो है वो फिल्ट्रेशन किससे करते हैं? फिल्टर पेपर से, ताकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग हो सके। इसी तरह से जो पानी की सरफेस है अर्थ पे, उसको फिल्टर किया जाता है जब ये पास हो जाती है सॉइल के थ्रू, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो स्टोर हो सके। अगर ये अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो हमें दूसरे सोर्स से भी मिलता है, ये हमें दिखाई देता है कि ये साफ है, लेकिन ये साफ नहीं होता है बेटा। इसमें बहुत सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मींस वो इम्प्योरिटीज जो पानी में हल हो सकती है, डिजॉल्व हो सकती है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में होती है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं बॉयलिंग से, जैसे उबालते हैं, उबाल लाते हैं पानी को, उससे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग हो सकती है। बॉइलिंग से क्या होता है बेटा? जर्म्स जो है होते हैं पानी में, वो मर जाते हैं। हम केमिकल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, या पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको भी पानी में ऐड किया जाता है, इन केमिकल्स को, ताकि पानी में जो जरासीम जर्म्स मौजूद होते हैं वो मर जाए, वो पानी से अलग हो सके और हमारा पानी जो है वो प्योर हो सके। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। इम्प्योरिटीज इन वाटर। द वाटर इन वेल्स, रिवर्स एंड लेक्स इज नॉट प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज कैन बी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच कैन नॉट बी सीन, लाइक सॉल्ट्स एट्सेट्रा। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच कैन बी सीन, लाइक स्टिक्स, मड, स्टोन एट्सेट्रा। इट मे ऑल्सो कंटेन जर्म्स। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर is called sedimentation. This method is used to remove sand from water.
decantation. This follows sedimentation. The clean water above the sand sediment is poured into another container, leaving the sand behind. Filtration. At home, while pouring tea, we filter it through a strainer. In school laboratories, students use filter paper to remove insoluble impurities. In the same way, the surface water of the earth filters when it passes through the soil to become underground water. Though underground water or water from other sources may appear clean, it can have soluble impurities. Soluble impurities in water can be removed by boiling it. It also kills germs. Chemicals like chlorine, bleaching powder, or potassium permanganate are also added to kill the germs in the water. So, this is all for today. Okay, Allah Hafiz.